ओके, तो सीन ऐसा है कि हमारे पास है अभी पेरिली, चार पेरिली सेलेक्ट किए हैं, 55 और मेडसिलर भी सेलेक्ट किया है, तो इसमें अभी फाइनलाइज होगा सारे पैसे इन टायरों के। आज टायर में सारे पैसे चले जा रहे हैं, ख़त्म हो गया हमारा, पैसा ही नहीं बचा है। क्या बोलते देखो सीन अभी ऐसा है कि एक काम तो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी चीता का जो टायर है ना, समझ रहे हो, चीता का टायर पता नहीं चला है क्या हुआ है, बता दो चीता की टायर क्या हो गई है। देखो कुछ ऐसी हो गई है अपनी चीता की हालत, देख रहे हो, समझ में आ रहा है क्या हो गया है। लास्ट व्लॉग में हमने बर्नआउट किया था, तो चीता की हालत, सब कुछ बीच का जो तार है वायर निकलते आ गई है, अभी मैं चेंज नहीं करूँगा तो बहुत बहुत दिक्कत आ गई है। तो चलते हैं टायर ढूंढने के लिए और देखते हैं चीता को टायर कहाँ मिलती है। बाइक में नहीं जा सकते हैं बिकॉज टायर की तो हालत बहुत ख़राब हो गई है, तो कार में चलते हैं जाके टायर देखते हैं, जेसी रोड में मिलेगा शायद। हमने पूछताछ तो कर लिया है लेकिन जाके वहाँ पे देखते हैं। ऑलराइट गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल अली व्लॉग्स। अगर आप लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर देना, और वीडियोस नहीं देखा है तो ये पहला वीडियो होगा तो सब्सक्राइब का बटन भी क्लिक कर देना, एंड गो वॉच द प्रीवियस व्लॉग्स, आपको समझ में आ जाएगा मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ। पहले जाके खान भाई को पिकअप कर लेंगे, खान भाई पता चलेगा आप मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। पहले अपने फ्रेंड को पिकअप करेंगे, विल गो पिकअप अ फ्रेंड, देन हेड टू जेसी रोड, चेक आउट सम टायर्स बहुत सारे हैं वहाँ पे, लेकिन मैंने कुछ कन्फर्म किया था, कॉल किया था जेसी रोड में चेरी एजेंसीज को, प्राइजेस थोड़े महंगे हैं तो वहाँ जाके चेक करने से हमें ग्रेट डील क्रैक करना पड़ेगा। विल गो देयर। एंड एक और बात बोलना चाहता हूँ कि हमारी फैमिली अभी बड़ी हो चुकी है, लगभग 2000 सब्सक्राइबर्स अभी आ चुके हैं, तो वेलकम टू माय फैमिली, वेलकम टू द अली व्लॉग्स, एंड बस और कुछ नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। फैमिली के लिए बहुत कुछ हम कर रहे हैं, हमारी फैमिली जैसी है, बहुत इमोशनल हो जाता हूँ जब सब्सक्राइबर्स या कुछ मेहनत रंग लाती है, बिकॉज आई वॉन्टेड दिस चैनल टू स्टार्ट फ्रॉम 2016, तो समझो कि 2016 से मैं कोशिश कर रहा था कि मेरा एक यूट्यूब चैनल हो जाए, बिकॉज आई लव बाइकिंग, बाइक्स के लिए मैं बहुत कुछ करता हूँ, आई ट्रैवल अलॉट, लद्दाख गया हूँ, कश्मीर गया हूँ, बहुत जगह गया हूँ, लेकिन कभी मुझे मौका नहीं मिला शूट करने के लिए। हाँ, लद्दाख में मुझे मौका मिला था शूट करने के लिए, बिकॉज आई डिडंट हैव प्रॉपर गियर्स एंड इक्विपमेंट्स, कैमरा एक्सेसरीज नहीं थे मेरे पास, तो गड़बड़ हो गया और वो व्लॉग बना ही नहीं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द थम्स अप बटन, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, कमेंट भी करना आपको वीडियो कैसा लगा। तो वी हैव रीच चेरी एजेंसीज, चेरी एजेंसीज में देख रहे हैं कि अभी मिलेगा मुझे पेरेली टायर है, रोसो 2 मिलेगा, देख रहे हैं मंगाए हैं, विल सी इफ यू गेट योर, क्या भेजू, मिल रहा है यहाँ, चेक करेंगे, एज इफ नो ही इज चेकिंग, ही इज टेकन दिस बुकलेट, सो ही इज चेकिंग द प्राइसेस एज वेल द साइजेस, इफ इट्स रियली मैचिंग विल जस्ट गो अहेड। भेजू इतना सीरियस क्यों दिख रहा है, वैसे जब हम दोनों साथ रहते हैं साइलेंट नहीं रहता है, बहुत मजाक करता है, लेकिन कैमरा में बहुत जो हालत ऐसी है टायर की पूरा जल गया है, इसीलिए थोड़ा सीरियस रहना पड़ेगा, बहुत सीरियस, जब तक टायर ना मिल जाए। 14,000 का पटका पड़ गया है मुझे, एंजल जीटी टायर आया है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि डायरेक्ट गोडाउन जाओ, गोडाउन में चेक करो, बहुत सारे टायर्स मिलेंगे, लेकिन कार में आए, पार्किंग की जगह नहीं मिल रही, प्रॉब्लम है, खाना खाए नहीं है अभी। वैसे एक और टायर हमने सोच रहे थे, एक और टायर डाल सकते हैं हमें। सीन ऐसा है कि
चेरी एजेंसीज ने हम लोग को ऐसी जगह पे लेके आए है, मतलब बोल देना कि हेवन, टायर हेवन को लेके आए। खत्म हो गया हमारा, पैसा ही नहीं बचा है। क्या बोलते थे? ओके, 18,000 का पटका अभी पड़ गया है। तो ये टायर हमने ले लिया, देखो पेरेली का टायर, भी डायरेक्ट जाएंगे एक स्टॉक और वहाँ पे फिटिंग कर लेंगे। और ये रहा उसका बिल, 18,000 पानी में बह गए, 3 महीने भी नहीं चलेगा, होपफुली देखेंगे कहाँ तक जाएगी। सुपर बाइक्स के यही प्रॉब्लम होते हैं, इसका मेंटेनेंस बहुत महंगा होता है। सुपर बाइक लेना इजी होता है लेकिन उसको संभालना बड़ी बात है। क्या बोलते हैं, टायर लेना भी बड़ी बात। टायर लेना भी। तो हम लोग फिर मिलते हैं अभी घर की ओर चलेंगे, फिर नेक्स्ट एक कॉफ़ी वॉफी होने के बाद कल फिटिंग के टाइम में वापस मिल जाएंगे। अभी फिटिंग करेंगे। श्योर। ऐसा है कि हम लोग अभी पहुंच गए एक स्टॉक शुएब भाई के पास टायर चेंज कराने के लिए। अभी नए शूज लग रहे हैं zx10r को, देखो इसके गेम्स, नए शूज शुएब भाई। डालते सुबह को निकले थे लगभग 1 बजे और अभी बज रहे हैं 8 बजे। नई टायर डालते डालते रात हो जा रही है, बहुत थक गए हैं, बस टायर लग जाए फटाफट घर चले जाऊंगा, बस और कुछ नहीं। ये बंदा बड़ा मुझे ये फैन परेशान कर रहा है, और यहाँ पे काम भी चल रहा है, 3 बंदे लगे हुए हैं टायर के पीछे। चीता को अभी वॉश कराते हैं फटाफट से, वॉश करके चेन लूप करके कल मॉर्निंग संडे राइड के लिए तैयार हो गए हैं। संडे मॉर्निंग में चेक करेंगे कि ये बाइक की टायर कैसे परफॉर्म करती है। ये सीन है आज का, बस आज के गेम्स टायर, सारे पैसे चीता के टायर के लिख के ले लो। गए जेसी रोड से टायर उठा के हम गए एक स्टॉक में टायर चेंज किया। इतना सारा प्रोसीजर होता है अगर आप नई टायर लेते हो कुछ बाइक की। देखो हमेशा ये बोलता हूँ कि बाइक लेना बहुत इजी होता है, बाइक ले सकते हो, बाइक लेके चलाना बहुत इजी होता है, लेकिन बाइक के बाद क्या करना है, सर्विसिंग, मेंटेनेंस, बहुत सब कुछ होता है। तो याद रखिए, बाइक, सुपर बाइक लेना ईजी नहीं होता है, उसके बाद के जो रहता है मेंटेनेंस वगैरह बहुत बहुत ज़्यादा रहता है। अब बात करते हैं हम मेरे सब्सक्राइबर्स के बारे में। मैंने ये देखा है कि मेरे सब्सक्राइबर्स अब भी हो गए हैं 2500, लगभग 2500। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग, एंड आप लोगों के लिए ये सब मैं कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। सो प्लीज़ आप लोग अगर नए हो इस चैनल पर, सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर देना जी, सब्सक्राइब मत भूलना। ऑलराइट, तो आज का दिन यही ख़त्म करते हैं। आई होप यू गाइज हैव एन्जॉयड माई वीडियो। टायर का प्रोसेस धीरे धीरे मैं सब कुछ बताऊँगा आपको।
थैंक यू फॉर 2000 प्लस सब्सक्राइबर्स. अभी हमारी फैमिली बहुत बड़ी हो चुकी है. सो थैंक यू फॉर 2500 सब्सक्राइबर्स. और बहुत कुछ करेंगे लेकिन आपका साथ चाहिए. सो फिर मिलते हैं द नेक्स्ट व्लॉग. टेक केयर, बाय.